और आप पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं कि लगातार बिहार की अगर बात कर ले तेज ब्रदर्स में जो फाइट देखने को मिल रहा है, देखिए कई बार पोस्टर के जरिए देखा गया लेकिन अब खुले तौर पर कोर्ट जाने की बात तक कह दी गई है। जी हाँ, और लगातार जी बिहार झारखंड पर आप अपडेट भी देख रहे हैं कि तेज प्रताप ने सीधे तौर पर कहा कि अगर उनकी बात नहीं सुनी जाएगी तो वो कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। अब सवाल उठता है कि ऐसा क्या हो चुका है पार्टी में कि कोर्ट तक पहुंचने की नौबत आ चुकी है। तो आप समझिए, ये जो पूरा विवाद हुआ है ये जगदानंद सिंह को लेकर हुआ है। और अगर जगदानंद सिंह की बात को समझने की कोशिश करें तो देखिए आरजेडी की एक डिसिप्लिन पार्टी बनाने की कोशिश और लगातार एक संदेश देने की कोशिश कि देखिए जनता में भी ये संदेश दिया जाए कि ऐसा नहीं है, जो कि लगातार कुछ राजनीतिक दल ये आरोप लगाते हैं कि लालू यादव की जो पार्टी है कहीं ना कहीं एक परिवार की पार्टी है। और आपको ये भी बता दें कि देखिए जगदानंद सिंह का पार्टी में बहुत बड़ा योगदान है। लालू यादव कई बार खुले मंच से कहते हैं कि ये हमारे वरिष्ठ हैं, तो दूसरी तरफ अगर तेज प्रताप की बात समझे वो मानने को है कि तैयार नहीं, एक बार नहीं कई बार खुले मंच से वो उनका अनादर कर चुके हैं। अब तेजस्वी यादव की बात को समझे तो देखिए तेजस्वी यादव कई बार मनाने की कोशिश और तेजस्वी यादव कई बार बात को संभालने की कोशिश करते नजर आते हैं, लेकिन तेज प्रताप है जो मानने को तैयार नहीं है। और कल तो उन्होंने खुले तौर पर कह दिया कि देखिए अगर पार्टी में सुनी नहीं जाएगी, उन्होंने जगदानंद सिंह पर आरोप लगाया कि वो संविधान का पालन नहीं कर रहे हैं, पार्टी का जो संविधान है उसका वो पालन नहीं कर रहे हैं। कि हुई तेज प्रताप यादव, तो आपने बड़ा आसानी तरीके से मीडिया में अपना चेहरा चमकाने के लिए अपना बोल दिया, लेकिन आप अब पिताजी से जाकर के पूछिए कि हुई तेज प्रताप यादव, पिताजी आपको खुद बताएंगे कि हुई तेज प्रताप यादव। ये पार्टी के पूरे विरुद्ध में चल रहे हैं, पार्टी के नियमों और कानूनों को फॉलो नहीं कर रहे हैं ये पूरे तरीके से। या तो हमको तो लगता है इनको आरएसएस वाले लोग हैंडल कर रहे हैं। अगर इनके ऊपर, जगदानंद सिंह जी के ऊपर अगर कार्रवाई नहीं होगा तो हम कोर्ट तक जाने का काम करेंगे, इस संविधान को लेकर के मुकदमा करेंगे, मुकदमा करने का हम काम करेंगे। दल का कोई सदस्य इस देश प्रदेश के समस्याओं के समाधान के बदले दल की समस्याओं को बढ़ाता है तो निश्चित रूप से वह दल को नुकसान करता है। और दल का विधान और संविधान नुकसान से बचाने के लिए जो अधिकार जिन जिन लोगों को दिया है, सभी अधिकारों का अपना समय पर प्रयोग करेंगे, चाहे कोई भी हो, सर, तेज प्रताप हो या फिर कोई अन्य हो, कोई भी एमपी हो। सीता के लिए जो लक्ष्मण रेखा खींची गई थी वो सबके लिए था। अनुशासनहीनता का जब सवाल किसी भी प्रदेश अध्यक्ष के पास, किसी भी बॉस के पास, इंस्टीट्यूशन के पास जाएगा तो वो अपने हिसाब से आकलन करेगा। उनको लगेगा कि कोई अनुशासनहीनता है तो कार्रवाई होती है, नहीं लगता है तो नहीं होती है। तो देखिए जिस तरह से तेज ब्रदर्स में घमासान चल रहा है इसे लेकर बिहार की राजनीति गर्मा गई है, क्योंकि अक्सर होता है देखिए राजनीति में तो मौके देखे जाते हैं। अब जो भी सत्ता पक्ष है वो लगातार सवाल उठा रही है कि देखिए आरजेडी में तो अपने आप में ही अंदरूनी है और इसे लेकर सवाल उठाया जा रहा है कि एक बेटे को तवज्जो दी जाती है, दूसरे बेटे को तवज्जो नहीं दी जाती है, क्या कुछ कहा जा रहा है आइए सुनते हैं। लालू जी, अधिकार आपको प्राप्त है अपने दल के अंदर में आपके पुत्र के द्वारा लगातार बयान दिए जा रहे हैं, लेकिन आपकी जुबान कैद खाने में कैद है। और महत्वपूर्ण विषय यह भी है कि लालू जी आप तो पारिवारिक लिमिटेड कंपनी चलाते हैं, आपको क्या परेशानी है, अजूबा पार्टी है भाई। आदरणीय जगता बाबू को सोचना चाहिए कि धृतराष्ट्र अपने पुत्र मोह में कब तक बन करके और अपना दुर्गति कराते रहेंगे राजद में। और आदरणीय लालू प्रसाद जी को भी सोचना चाहिए कि अपने बड़े पुत्र का अधिकार छोटे पुत्र को दे दिए हैं तो ये तभी संभव है, या तो बड़ा पुत्र अक्षम हो या उसको वो चाहते नहीं हो। वैसे तो ये राजद का आंतरिक मसला है, पर एक बात जो मेरी समझ में आती है कि राजनीति में एक परिपाटी होती है, सीनियर जूनियर रेस्पेक्ट की, आदर की, अनुभव की, ये सारी सीमाएं जो है इसको किसी भी दल में किसी को नहीं तोड़ना चाहिए। ये राजनीति की एक परिपाटी होती है, राजनीति के भी अपने कुछ अनसेट रूल्स होते हैं और उन रूल्स के साथ ही राजनीति होनी चाहिए। जो भी निर्णय लिया जाता है वह पार्टी फोरम से लिया जाता है और पार्टी के अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं जो निर्णय लें और सभी को मिलाकर चलने का काम करते हैं। तेज प्रताप जी भी
हमारे दल के वरिष्ठ नेता और जो है विधायक हैं, उसमें कोई बात नहीं। थोड़ा सा कुछ हुआ है तो उसको पार्टी फोरम और राष्ट्रीय नेता से बात करके बात को सुलझा ली जाएगी, उसमें कोई बात नहीं है। तो देखिए, अलग अलग प्रतिक्रिया आ रही है, इस पर लगातार सियासत भी हो रही है। तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ पटना से ब्यूरो हेड रजनीश जुड़ चुके हैं और हमारे संवाददाता रुपेंद्र भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रजनीश, सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे। देखिए, अब जिस तरह से घमासान मचा हुआ है, ये बात कोई दो राय नहीं। आपको याद होगा, आपसे ही मैं चर्चा कर रही थी जब पोस्टर वॉर हुआ था और आपने बखूबी कहा था कि ऐसा हो नहीं सकता कि पोस्टर लगाए जाएंगे और तेजस्वी को गायब किया गया तो पता नहीं होगा। लेकिन अब तो जगदानंद सिंह को लेकर देखिए सीधे तौर पर दो तलवार खिंच गई, तो क्या लगता है ये विवाद और आगे गहराएगा? क्योंकि जिस तरह से अगर आप तेज प्रताप को देखें, जो रुख अख्तियार किया है, उनको मना पाना मुझे लग रहा है मुश्किल सा लग रहा है। देखिए, जिस तरीके से पिछले दिनों देखने को मिला है, बयान आए हैं, चाहे वो तेज प्रताप यादव के हो या फिर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की ओर से हो, जगदानंद सिंह की ओर से हो, इसको लेकर पार्टी की तो किरकिरी हो ही रही है। साथ ही साथ परिवार समेत कई दूसरे मसलों पर भी निशाना साधने में सत्ता पक्ष के लोग लगे हैं और सबसे अहम बात है कि जो आम जन है उनके बीच में मैसेज जो है वो सही नहीं जा रहा है, तो लिहाजा इसको दूर करने को लेकर कोशिश जो है वो तेज हुई है और आने वाले दिनों में ये कोशिश आपको नजर भी आएगी। और साथ ही साथ राजनीति में मौके और संभावनाएं तलाशे जाते हैं, लेकिन मौका और संभावना जो है सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो बनाने की जुगत में भी रहते हैं और जब बना बनाया मिल जाए तो जाहिर तौर पे ये सोने पे सुहागा हो जाता है ओपोनेंट के लिए, जो विरोध में लोग खड़े हैं उसके लिए। और ये जो परिस्थितियाँ हुई है इसको लेकर बीजेपी और जेडीयू के जो लोग हैं उनके लिए बड़ा मुफीद ये मौका हो गया है, बयान देने को लेकर, निशाना साधने को लेकर, कटघरे में खड़ा करने को लेकर। तो ऐसे में अब आरजेडी की ओर से ये कोशिश चल रही है कि ये मामला जो है आपस में सॉर्ट आउट कर लिया जाए कि एक जो संदेश गलत जा रहा है उससे बचा जा सके। साथ ही साथ इस तरह की अगर बातें होती हैं, खासतौर पे जब पार्टी में बड़े नेता हो या प्रदेश अध्यक्ष हो या दूसरी ओर भी उस तरीके से जो लोग एक तरीके से कहे पार्टी के आधार स्तंभ हो और ऐसे लोगों के बीच में इस तरह की बयानबाजी हो तो निश्चित तौर पे पार्टी के लिए एक परेशानी का सबब होती है। लेकिन कोशिश ये चल रही है कि ये मामला सलट जाए और इसके लिए हर तरह की बातें जो है अंदर खाने। वाकई रजनीश, अहम बात की आपने। देखिए, जब भी पार्टी में अंदरूनी कलह होता है तो कहीं ना कहीं इस पर देखिए जनता को भी एक गलत संदेश जाता है, कार्यकर्ताओं में भी आप समझ सकते हैं मनोबल गिरता है। आप हमारे साथ बने रहिए। अगर देखा जाए रुपेंद्र, आप बखूबी समझते हैं कि तेज प्रताप जिस तरह से अब बगावती सुर में आए, कोर्ट तक पहुंचने की बात कह दी उन्होंने, क्या आपको लगता है कि अब जो कवायद की जा रही, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि देखिए डिसिप्लिन के तहत काम होगा, तो क्या आपको लगता है कार्रवाई होगी तेज प्रताप यादव के खिलाफ? जिस तरह से वो बयान दे रहे हैं, वो तो नसीहत दे रहे हैं जगदानंद सिंह को कि देखिए उन्हें तो संविधान का पालन नहीं कर रहे हैं, जो पार्टी का संविधान है वो उसको समझ नहीं रहे। उन्होंने तो ये कहा कि आज मुझसे पूछ रहे हैं कि हु इज तेज प्रताप यादव, कल को वो पूछेंगे कि लालू यादव कौन है और कल को भी पूछ देंगे कि तेजस्वी यादव कौन है। देखिए, ये बयान जो है तेज प्रताप यादव ने कल दिया था और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिया, लेकिन कल से और अभी तक की स्थिति देखा जाए तो कल के बाद आज तेज प्रताप यादव ने कुछ नहीं बोला है, तेजस्वी यादव ने कुछ नहीं बोला है और जगदानंद सिंह ने कुछ नहीं बोला है। तो तेजस्वी यादव ने कल साफ तौर पर कहा था, सवाल उठता है कुछ नहीं बोला है, लेकिन देखिए राजनीति तो इस पर होगी और राजनीति हो भी रही है, आप देख रहे हैं। देखिए, राजनीति हो रही है, कल तेजस्वी यादव ने साफ तौर पर कहा था कि सारे मामले को मिल बैठ के जो है हम लोग सुलझा लेंगे, तो मामला कहीं ना कहीं जो है अब स्थिति ये हो गई है कि मामले को सुलझाने में सभी लोग लग गए हैं, क्योंकि ये पार्टी का मामला है और पार्टी के मामले में जो है कहीं ना कहीं दोनों भाई हैं, तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव भाई हैं, जगदानंद सिंह को लेकर ये सारा मामला खड़ा हुआ है। तो जगदानंद सिंह जो है आरजेडी के सीनियर लीडर हैं और जगदानंद सिंह जिस तरह से तेज प्रताप यादव ने अपने मीटिंग के दौरान जगदानंद सिंह पर जिस तरह से आरोप लगाए थे, जिस तरह से बयान दिया था, उसके बाद जगदानंद सिंह जो है वो पार्टी कार्यालय आना छोड़ दिए थे, लेकिन उसके बाद जब राबड़ी देवी से जगदानंद सिंह की मुलाकात होती है, मुलाकात के बाद जो है जगदानंद सिंह फिर फॉर्म में लौटते हैं और फॉर्म में लौटने के बाद जो है
वो जो तेज प्रताप के करीबी को हटा देते हैं और लगातार जो है तेज प्रताप यादव पर जो है बयानबाजी शुरू कर देते हैं। उसके बाद तेज प्रताप यादव जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बातें करते हैं, लेकिन अब मामला जो है धीरे धीरे अब सुलझाने में जो है अब लगने लगा है और कई जो राजनीति पार्टी के जो नेता हैं भले ही बयानबाजी कर रहे हैं, सत्ता पक्ष जो है वो बयानबाजी कर रहा है तो कांग्रेस बचाव में आ रही है, लेकिन अब सवाल ये है कि जो भी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, आरजेडी के वरिष्ठ नेता हैं और साथ ही राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू यादव जो हैं, ये सारी चीजों को मॉनिटरिंग कर रहे हैं। यही कारण है कि कल से अभी तक जो है काफी स्थितियां बदल चुकी हैं। आज सुबह से अभी तक अगर आपकी बात को समझे तो ये है कि अब कहीं ना कहीं कंट्रोल करने की स्थिति की जा रही है, पार्टी में बैठक चल रही है। रजनीश, जैसा कि आपने पहले कहा कि देखिए राजनीति ऐसी होती है, इसमें कब मौका मिलते ही देखिए दूसरे दल लपक लेते हैं, तो रजनीश क्या आपको लगता है तेज प्रताप के खिलाफ कार्रवाई होगी जिस तरह से मांग हो रही है, क्योंकि एक कार्यकर्ताओं में भी संदेश देने की कोशिश, दूसरे आप समझिए कि दूसरे जो राजनीतिक दल हैं बार बार ये आरोप लगाते हैं कि कहीं ना कहीं एक पूरे परिवार की पार्टी है, अब तेज प्रताप ने तो सीधे कह दिया है कि उनकी बात अगर नहीं सुनी जाती है जगदानंद सिंह के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी तो वो कोर्ट जाएंगे। दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि लालू यादव और तेजस्वी यादव जगदानंद सिंह के साथ हैं, तो कैसे समाधान निकलेगा, क्या लगता है आपको? देखिए, अगर किसी पर भी कार्रवाई होती है तो अंततः पार्टी के जो प्रतिष्ठा है उस पर बट्टा लगेगा, तो जाहिर तौर पे इसमें कार्रवाई की बातें नहीं होंगी, लेकिन एक बीच का रास्ता जरूर निकालने की बात होगी। और उसमें चूंकि जिस तरीके से रिजिडनेस है कि जगदा बाबू जब तक उन पर कार्रवाई न हो वो किसी भी कार्यक्रम में भाग नहीं लेंगे, दूसरी ओर जगदा बाबू जो है वो अनुशासन के लिए जाने जाते हैं और उनका एक अपना कद है और उनकी अपनी एक विचार है, तो इन सब बातों को लेकर एक अगर तेजस्वी तेज प्रताप जो है वो भी न सिर्फ पार्टी बल्कि परिवार तमाम सारी ऐसी बातें हैं जिसको लेकर कि उन्हें भी दरकिनार या नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है, तो ऐसे में एक बीच का रास्ता है और आने वाले दिनों में आप देखेंगी कि ये मामला जो है कुछ और आगे ऐसे जाएगा और उसके बाद फिर एक बीच का कोई रास्ता निकलेगा जिसमें कुछ परिवर्तन भी आपको देखने को मिलेंगे आरजेडी में, और इसके बाद जो है चूंकि जो कुछ सारा मसला मामला चल रहा है उसकी परिणति इस तरीके से सामने आ सकती है, तो कई सारी संभावनाएं हैं, लेकिन तेजस्वी यादव जो कि नेता प्रतिपक्ष है वो स्पष्ट कह रहे हैं कि जब वो हैं और चीज़ों को वो देख रहे हैं तो किसी बात की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है और सब कुछ ठीक हो जाएगा। बिल्कुल तेजस्वी यादव तो ये कह रहे हैं देखिए चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप देखते हैं कि क्या कदम उठाया जाएगा, जैसा कि आप कह रहे हैं कि देखिए कोई बीच का रास्ता निकाला जाएगा, और रुपेंद्र तो बता ही रहे कि देखिए आज खामोशी है, कोई कुछ कह नहीं रहा है, रुपेंद्र क्या समझे इस खामोशी को, क्या फिर से ऐसा तो नहीं हो जाए कि शाम को कुछ एक अचानक से ब्लास्ट हो जाए, और जैसे कल तेज प्रताप यादव आते हैं और अचानक से जिस तरह से वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, तो आज आपको क्या लगता है कोई बीच का रास्ता निकाला जाएगा, क्योंकि परिस्थिति तो यही लग रही है और यही समझ में आ रहा है, क्योंकि तेजस्वी यादव आप देख रहे हैं कि लगातार इसे लेकर गंभीरता से बैठक भी कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप देख ही रहे हैं लालू यादव तो लगातार नजर बनाए हुए हैं। देखिए बीच का रास्ता जो है वो जरूर निकाला जाएगा, क्योंकि तेज प्रताप यादव ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, फिर मेरी जब तेजस्वी यादव से बात हुई तो तेजस्वी यादव ने साफ तौर पर यह कह दिया कि पार्टी में कोई भी हो अगर वो अनुशासन में नहीं रहता है तो उस पर जो है कार्रवाई होना निश्चित है। उसके बाद से जो है देखिए स्थिति जो है कहीं ना कहीं संभलनी शुरू हो गई, क्योंकि तेजस्वी यादव ने बिना नाम लिए सारी चीज़ों को कह दिया था, और अब जो है कि जिस तरह से तेज प्रताप यादव ने आपको जगदानंद सिंह को जो है कहा कि अगर जगदानंद सिंह के खिलाफ वो कोर्ट में जाएंगे उन्हीं के कारण पार्टी टूट रही है, तो अगर कुछ होना रहता तो जगदानंद सिंह अभी तक बयान दे दिए रहते हैं मीडिया में, जगदानंद सिंह अपनी चीजों को भड़ास को निकाल सकते थे, लेकिन अभी जगदानंद सिंह भी चुप है, तेज प्रताप यादव भी चुप है और तेजस्वी यादव भी चुप है, यानी कि ये माना जा रहा है, और लालू यादव जो है लगातार सभी से संपर्क में है, तो ये साफ हो गया है कि आगे जो है कोई अभी धमाका होने वाला नहीं है, लेकिन धमाका होने वाला रहता तो आज सुबह जो है यह राजनीतिक धमाका जरूर हो जाएगा। बिल्कुल, तो उम्मीद यही करेंगे रास्ता निकाला जाएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए रुपेंद्र आपका शुक्रिया, रजनीश आपका भी शुक्रिया। तो देखिए रुपेंद्र ने बताया कि उनसे बातचीत हुई तो तेजस्वी यादव ने साफ तौर पर कहा कि देखिए बीच का रास्ता निकाला जाएगा और पार्टी में सब बराबर है, और यही कोशिश भी की जा रही है कार्यकर्ताओं को आम जनता को संदेश देने की, और लालू यादव तो देखिए बखूबी समझते हैं कि राजनीति में कब क्या कदम उठाए जाना चाहिए। वहीं अब बात कर लेंगे जी बिहार झारखंड का, जी हाँ आत्मनिर्भर की बात करते हैं और एक अच्छी पहल कही जा सकती है और